हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कि स्विच बोर्ड को कैसे वायरिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों, तीन पीस हमने सरफेस लाइट लिए हैं और तीन स्विच लिए हैं और उसका प्लेट लिए हैं। चलिए दोस्तों, इस स्विच को प्लेट में सेट करते हैं और उसके बाद वायरिंग करते हैं और बताते हैं कैसे वायरिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो खास उनके लिए हैं जो साथ ही नए नए इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं। इस वीडियो से पता चल जाएगा कि दोस्तों कि स्विच बोर्ड में कैसे वायरिंग किया जाता है, लाइट में कैसे वायरिंग किया जाता है। देखिए दोस्तों, स्विच में वायरिंग कर रहे हैं और इसमें वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद फिर लाइट के एक एक वायर को स्विच में कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने तीनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं। अब लाइट के एक एक वायर को तीनों स्विच में इकट्ठा करके कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, स्विच में वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब दूसरा वायर लेंगे और तीनों लाइट के जो एक एक वायर और बचा हुआ है उसमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको विस्तार से पूरा जानते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी लाइट जलाने के लिए हमेशा दो फेस की जरूरत पड़ती है, एक लाइन एक न्यूट्रल। तो उसमें से दो वायर लेके आए हैं फ्रेंड्स। इस देखिए, एक पीला कलर का वायर है और एक ब्लू कलर का वायर है। जैसे पीला कलर का वायर जो है स्विच में आया है, जो लाइन उसमें आया है, जो तीनों स्विच में कनेक्ट है। चलिए दोस्तों, ब्लू कलर का वायर न्यूट्रल है जो लाइट के तीनों वायर में कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए, हमने पहला स्विच से पहला लाइट में कनेक्ट कर दिए हैं और फिर दूसरा स्विच से दूसरा लाइट में कनेक्ट कर दिए हैं और तीसरा से तीसरा लाइट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने का समय आ चुका है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के पता चल गया होगा कि लाइट में हमेशा न्यूट्रल वायर दौड़ती है और स्विच में हमेशा लाइन वायर दौड़ती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।